चना मसाला बनाते हैं। चना मसाला मतलब मसाला नमकीन बनाएंगे। क्या है, अभी नाश्ता करने जा रहे थे तो सोचे कि यहाँ डाल भी दें। ये पुदीना पत्ता है, करी पत्ता है, आप राई, काले नमक, गरम मसाला, लाल गरम मसाला नहीं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर आप ले लें, राई ले लें, और इतना का सरसों तेल में तड़का दे। पहले राइस और ये पत्ते और सरसों तेल का तड़का देते हैं। ये हो रहा है, इसमें क्या है ना कि तड़के देने तक ही बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा हींग भी डालेंगे क्योंकि चना है ना। हींग भी ऐड हो गया, हींग भी ऐड हो गया है, राई भी एकदम चटक रही है बढ़िया। थोड़ा सा और फिर इसमें हम चना डालेंगे। इस तेल में हम मसाला नहीं डालेंगे, चना डालेंगे पहले। अब इसमें हम इसका छिलका और अच्छे से निकाल लें। इसमें हम हल्दी डालेंगे और 30 सेकेंड भून लेंगे। ये हल्दी पड़ गई, 1/2 टीस्पून इसे भून लेंगे। इसमें खड़ा लाल मिर्चा भी आप डाल सकते थे, एकदम मध्यम है। और मसाला भूनना बहुत नहीं रहता है, डालने के बाद 1 सेकेंड चला के फिर काला नमक, नमक डाल के उतार लेना, कोई दिक्कत। ये देखिए धनिया पाउडर, ये आपके सामने हम भून रहे, एक्चुअली ये सही नहीं है, बस हो गया। अब इसमें हम सफ़ेद नमक डालेंगे टू टेस्ट, ये काला नमक डालेंगे टू टेस्ट, और इसको भी हिला लेंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे अमचूर पाउडर डाल देंगे, ये अमचूर पाउडर है। मेरा मोबाइल सही नहीं है, अभी हम एक फ्रंट से भी एक इसका फोटो डाल, मतलब एक वीडियो डाल देंगे। ये हो गया, बस इसमें नींबू निचोड़ देंगे या एसिटिक एसिड, इसमें नींबू निचोड़ी या वाइट विनेगर, वो निकाल लीजिएगा, हिलाइए, बस ये आपका रेडी हो गया। 2 से 5 सेकंड तक इसे बढ़िया से, थोड़ा जो धनिया पाउडर होता है ना वही थोड़ा फील होता है, और हल्दी पाउडर, नहीं तो बाकी सब एकदम फर्स्ट क्लास। हम आपके सामने ही इसे क्लोज्ड कर देते हैं और इसे इसी गर्मी में, कढ़ाई के गर्माहट में इसे थोड़ा मिक्स बढ़िया से कर लेते हैं। ये आपका नमकीन रेडी, मसाला नमकीन रेगुलर यूज़ के लिए रेडी हो गया।